Hello guys, assalamu alaikum. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ कूल सनबर्स्ट इफेक्ट. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी इमेजेस पोर्ट्रेट्स वगैरह में, डिज़ाइंस में, एस्थेटिक्स में, कि हमारे पास एक जो है वो कोऑर्डिनेट टाइप का, पोलर कोऑर्डिनेट टाइप का इफेक्ट होता है सनबर्स्ट इफेक्ट, जो काफ़ी जो है मोस्टली डिज़ाइंस वगैरह में भी यूज़ होता है और वेरी कॉमन इफेक्ट. तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्रिएट होता है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने एक एडिशन किया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ग्रंज टेक्सचर वगैरह, ये हम बाद में फिर ऐड करेंगे टेक्सचर वगैरह किस तरह से. सही है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट के इसको क्रिएट कैसे करेंगे. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है सिंपल एक प्लेन बैकग्राउंड है. ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर हम जो है ऑरेंज कलर से कलर, आप कलर यहाँ पर कोई भी आप पिक कर सकते हैं. थोड़ा सा हम ब्राइट ऑरेंज ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको जो है शार्प कर देते हैं ऑरेंज को. और यहाँ पे हम अब जो है नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है. ठीक है, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इससे हमें एक सिलेक्शन बनाएंगे. ठीक है, सिलेक्शन मैंने यहाँ टॉप बिल्कुल लेफ्ट टॉप से जो है मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई इस तरह से, और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके. ठीक है, मैंने कलर फिल कर दिया और कंट्रोल डी प्रेस किया, डी सेलेक्ट हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास दो तीन तरीके हैं जिससे मैं यहाँ पे जो है इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता हूँ. या तो मैं इसको ऑल्ट क्लिक शिफ्ट ड्रैग करके इस तरह से मैं कॉपी बना लूँ. ठीक है, या फिर मैं जो है नॉर्मली इसकी जो है सिलेक्शन बना के और शिफ्ट के साथ सिलेक्शंस बनाता जाऊँ. ठीक है, शिफ्ट होल्ड करके अगर हमें सिलेक्शन बनाएंगे तो सिलेक्शन जो है वो दूसरी सिलेक्शन के साथ ऐड होती जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से फिल करूँगा, बट वही है कि इसमें हमें एक इशू आएगा जो है कंसिस्टेंसी का, कि शेप का जो साइज़ है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, कुछ शेप जो है विद में ज़्यादा, हाइट में डिफरेंट शेड हो जाएगा. तो हम इसका बड़ा एक सिंपल तरीका करेंगे, मैं इसको अनडू कर देता हूँ. ठीक है, मैंने इसको अनडू कर दिया और ऑल्ट क्लिक शिफ्ट से, या आप इसे कॉपी करके बना सकते हैं इस तरह से. ठीक है, आप बनाते जाएँ इस तरह से. मैं इसको जो है ये मैंने कॉपी, ठीक है, एक तरीका ये हो गया. ठीक है, जो काफ़ी इजी है और थोड़ा फास्ट है, बट इससे भी जो है एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि विंडो में आके हम एक्शन पैनल ओपन कर लेंगे. ये इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट एफ नाइन. अगर आपको ये विजिबल ना हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. विंडो में आके एक्शन ऑल्ट एफ नाइन इसकी शॉर्टकट की है, मैंने ये प्रेस किया. ठीक है, ये हमारे पास एक्शन की जो है कमांड ओपन हो गई, ये पैनल ओपन हो गया पूरा एक्शन का. अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे एक न्यू एक्शन क्रिएट करना है. यहाँ पे अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो ये एक न्यू एक्शन क्रिएट होगा. ठीक है, न्यू एक्शन क्रिएट होगा, इसको हमने नाम दे दिया कॉपी. ठीक है, इसको हमें कॉपी नेम दे दिया. अच्छा, पहले तो हम बता देते, मैं इसको आपको बता दूं कि एक्शन से होता क्या. ठीक है, एक्शन बेसिकली काम क्या करेगा कि जो भी प्रोसेस है, मैं अगर यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लूँगा तो मुझे उसको जो है बार बार जो है मेरा टाइम कंज्यूम होने से बचाएगा. मतलब मैं इसको जो है इजीली उस प्रोसेस को दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, एक्शन जो है इस चीज़ों में बड़ा काम आता है. अच्छा, यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले मैंने जो है न्यू एक्शन बटन पे प्रेस किया और एक न्यू एक्शन क्रिएट कर लिया, उसको हमने नेम दे दिया कॉपी. ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको प्रेस करूँगा रिकॉर्ड. अब जैसे ही मैं इसको रिकॉर्ड प्रेस करूँगा यहाँ पे एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको पहले ही सब चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी कि आपको करना क्या है और फिर आप एक्शन जो है वो अपना रिकॉर्ड करें. ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे एक्शन रेडी कर लिया कॉपी का और इसको मैं जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ. ये मैंने रिकॉर्ड प्रेस कर दिया, एक्शन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया. ठीक है, अब इस लेयर को हमने सेलेक्ट रखा हुआ है और ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ले ली. ठीक है, इसकी मैंने कॉपी ले ली और मैंने इस एक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर दिया. सही, ये मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया. अब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक्शन रेडी हो गया. अब मुझे बार बार इसकी जो है वो मेरे पास, मतलब वो एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट के लिए आप जो है वो एक्शन, अगर आप कोई काम ऐसा है जो आप जो है रिपीटेटिवली आप वो काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि एक्शन बना लेंगे. किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस में, कुछ भी डिज़ाइन करते हुए, रीटचिंग करते हुए, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको जो है रिपीटेटिवली एक एक्शन बार बार करना है तो आपने उसका एक जो है स्पेसिफिक एक्शन क्रिएट कर लिया. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका एक एक्शन क्रिएट कर लिया. अब होगा क्या कि
जब जब मैं एक्शन प्रेस करूंगा ये सेम लेयर को कॉपी बनाता जाएगा। ये देख, और दूसरा चीज, दूसरा फायदा ये है कि जो स्पेसिंग है, हाइट, लेंथ, विड्थ, स्पेसिंग, ये सब चीज़ें बड़ी कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये मुझे बड़ी आसानी रहेगी, आपको इजीली ये चीज़ आप क्रिएट करते रहोगे। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि इन सब को एक साथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन सब को एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई से क्या होगा कि ये सारी लेयर्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी। कंट्रोल ई से ये सब लेयर्स एक साथ मर्ज होगी। एक्शन पैनल हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये इसको हमने मर्ज कर लिया। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और ये बाहर का जो पार्ट है इसको यहाँ पे लाके इसको बैलेंस कर दें पूरे डिज़ाइन को एक साथ। ठीक है, ये मेरे पास एक जो है पूरी ग्रिड जमा हो गई। इस तरह से एक लाइन ग्रिड स्पेसिंग मेरे पास जो है बन गई। ठीक है, अब ये इसको बनाने के बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पर हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लेते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिल्टर में आके हमें एक इफेक्ट अप्लाई करना है, फिल्टर डिस्टॉर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको जूम कर लेता हूँ, फिल्टर डिस्टॉर्ट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स काम क्या करता है कि वो इस तरह से, इसमें दो होते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ पोलर के अंदर है, मीन सर्कुलर है, तो आप उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर कोई चीज़ आपके पास स्ट्रेट लाइन में तो आप उसको सर्कुलर के अंदर जो है डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इस तरह से इसने जो है यहाँ पे इसको सर्कुलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर जब आप इफेक्ट अप्लाई करने लगोगे तो ये इस पे होगा, तो आपको रेक्टेंगुलर टू पोलर करना है इसको। ये करने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। ठीक है, हमने इसको ओके किया और जूम आउट कर दिया। ठीक है, इसकी ओपेसिटी डाउन हो गई थी, लेयर की ओपेसिटी मैंने दोबारा नॉर्मल कर दी, वैसे हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये पोलर कोऑर्डिनेट इफेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक, अब इस इफेक्ट, ऑलमोस्ट हमारा इफेक्ट तो डन हो गया, जो हम बनाना चाह रहे थे वो तो डन हो गया, बट इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको एडिशनल और बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से और इन्हांस या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना था कि हमें इसमें जो है बेसिकली वो जो था डिस्ट्रेस, एक ग्रंज इफेक्ट था वो हमें ऐड करना था। मैंने इसको यहाँ से लाया, ड्रॉप किया, इसको मैंने स्केल अप किया। ठीक है, और हमें ये ब्लैक्स जो है ये वाइट्स के अंदर करने हैं, ये जितने भी ब्लैक पार्ट्स हैं ये सारे इसको हमें वाइट के ऊपर करना है। तो मैं इसको पहले इन्वर्ट कर दूंगा, कंट्रोल आई प्रेस किया और इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया यहाँ पे इस लेयर को, और फिर जो है मैं इसको ब्लेंडिंग मोड से हम इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, हमने स्क्रीन इफेक्ट सेलेक्ट किया तो ये जो है वाइट में मेरे पास पेस्ट हो गया। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं दोबारा, हमने इसको वाइट पे कर दिया। राइट, अब इसके बाद जो है सेकंड हमें इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, वो है एक सेकंड फिल्टर है जो कि थोड़ा सा और इसको डिफरेंट उसके अंदर जो है स्टाइलाइज कर देगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, एक न्यू लेयर, और यहाँ पे एक ब्रश टू एक स्पॉट बना लेंगे वाइट ब्रश से। ठीक है, एक हेलो काइंड ऑफ इफेक्ट बना लेंगे, ग्लो, इल्यूमिनेटिंग ग्लो जो होता है। ठीक है, मैं बना लिया, सही है। ये ग्लो की इंटेंसिटी आप जितनी मर्जी बनाना, जितनी मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं, किस तरह से कि यहाँ पे जो हमारे पास ये लेयर है, इस लेयर को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो ग्लो की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ग्लो को इस तरह से भी इंटेंस कर सकते हैं, सही। अच्छा, सेकंड, अब जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो एक और फिल्टर है जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, वो है फिल्टर में डिस्टॉर्ट एंड वेव, सही है। ये बेसिकली वेव अप करेगा क्या, सॉरी ट्विल्ट, मैं भी बताता हूँ आपको कि ये इससे फ़ायदा क्या है। अगर इसमें कोई इमेज ला के ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये इमेज ड्रैग ड्रॉप कर दी, तो हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये जो ग्रंज पैक है हमारे पास, ग्रंज पैक, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऑरेंज एरिया जो जितने भी ये बर्स्ट का ऑरेंज एरिया है इसके ऊपर आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है आप यहाँ पे क्लिप मास्क कर दें। ठीक है, ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करके ये क्लिप मास्क आपने ऐड कर दिया, तो अब ये सिर्फ ऑरेंज एरिया के ऊपर विजिबल है। पहले जो है ये सब एरियाज पे विजिबल था,
अब क्लिप मास्क कर दिया तो सिर्फ ये ऑरेंज एरिया पे विजिबल होगा, ठीक है। इस हेलो इफेक्ट को मैं इस कैरेक्टर के नीचे ला के ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इसको डुप्लीकेट कर दिया, तो अब ये एक जो है पोस्टर में एक फील टाइप का आ गया, थोड़ा सा एक पोस्टर फील टाइप का आ गया, बैकग्राउंड में वो लाइट टाइप का, एक स्पॉटलाइट टाइप का फील आ गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमें इसमें अप्लाई करना है वो है फिल्टर, डिस्टॉर्ट एंड ट्वर्ल, ठीक है। ये ट्वर्ल भी जो है बड़ा मज़ेदार इफेक्ट है, बट इसमें क्या होता है कि इमेज आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है, इमेज थोड़ी सी और ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगी। अच्छा, ट्वेल्व जितना मर्जी आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन उसको हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको मैंने 200 पे रखा है और मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि जो आउटसाइड एरिया है ट्वेल्व का, वो जो है थोड़ा सा रिपल टाइप का हो गया, ठीक है। तो मैं इसको जो है क्या करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके ओके ट्रांसफॉर्म, और इसको स्केल अप कर लूँगा इतना। तो अब बेसिकली जो जितना भी एरिया था वो बाहर चला गया और सिर्फ जो इनर ट्वेल्व एरिया था, जो सिर्फ परफेक्टली जो हमारे पास ट्वेल्व हुआ था, वो बाहर यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक बहुत अच्छा सा पोस्टर टाइप का फील आ गया इसके अंदर, सही। तो ये इफेक्ट है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट एंड ट्वेल्व। तो ये दोनों बड़े मज़ेदार इफेक्ट हैं, काफ़ी आपकी जो है इमेज को, पोस्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं आप, काफ़ी इसको डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स के साथ इसको ओवरलेज वगैरह के साथ आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही एक अच्छा बैकग्राउंड बनाने के लिए बहुत अच्छा फील आएगा डिफरेंट। अब ये जैसे मैंने कैरेक्टर इसके अंदर प्लेस सिंपली प्लेस किया और वो कैरेक्टर जो है परफेक्टली ब्लेंड हो गया उसके साथ इमेज, बट मेक श्योर कि आप कलर्स इस तरह से पिक करें, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ऑरेंज और जो ये ट्वेल्व का कलर है ये थोड़ा डार्क ऑरेंज, तो एक कॉन्ट्रास्ट के अंदर मैंने कलर पिक किए हुए, तो उससे क्या होगा कि आपके अगर कैरेक्टर आप कुछ इस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं तो वो इसमें मिक्सअप होगा। जैसे ये कैरेक्टर है इसमें ब्लैक कलर है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड होगा, राइट। तो आई होप कि ये प्रोसीजर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।